नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक वाइव स्टूडियो में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित तिवारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप लोक अदालत का टोकन कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टोकन जनरेट करने का लिंक मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा लोक अदालत का। तो दोस्तों, टोकन जनरेट करने से पहले अगर आप चाहें तो ये भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों, आपको यहाँ नीचे ब्लू कलर में लिखा हुआ दिख जाएगा, क्लिक हेयर टू चेक कोर्ट अवेलेबिलिटी, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों, इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों, आपको ये लिखा हुआ दिख जाएगा कि कितने चालान की लिमिट है, और यहाँ ग्रीन कलर में आपको अवेलेबल सीट दिख जाएंगी, और यहाँ रेड कलर में आपको ये लिखा हुआ दिख जाएगा कि कितने चालान जो हैं वो बुक हो चुके हैं, ठीक है। और इधर इस साइड में आपको कोर्ट कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ दिख जाएगा, यहाँ पे कोर्ट रूम लिखा हुआ दिख जाएगा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि दोपहर से पहले यानी कि फर्स्ट मीटिंग में कितने चालान सेटल होंगे, कौन से कोर्ट रूम में। यहाँ आपको नीचे 600 लिखा हुआ दिख जाएगा, या इससे कम ज्यादा भी हो सकता है। और अवेलेबल सीट कितनी है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ये वाला जो है ये दोपहर के बाद का है, आफ्टरनून का, और यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कि कौन से कोर्ट रूम में दोपहर के बाद कितने चालान सेटल होंगे और कितने अवेलेबल हैं वो आपको यहाँ पे लिखे हुए दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये 30,000 का है। इसी तरीके से आपको कड़कड़डुमा का भी दिख जाएगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 600 फर्स्ट मीटिंग में, और ये अवेलेबल है, ये सेकेंड मीटिंग के हैं 400 के, और ये उसमें अवेलेबल है 400 में से, ठीक है। ये देखिए पटियाला हाउस का है, इसमें भी फर्स्ट मीटिंग में 600 हैं, और किसी में 600 अवेलेबल हैं, किसी में 500, किसी में 600, ये सेकंड मीटिंग का है और ये अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरीके से आपको बाकी के भी मिल जाएंगे, रोहिणी के भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, और नीचे आप जाएंगे तो आपको बाकी कोर्ट की भी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर भर लेना है। इसके बाद इस सेकंड वाले बॉक्स में आपको अपने व्हीकल के चेचिस नंबर के लास्ट के 5 डिजिट भर लेने हैं। अगर चेचिस नंबर आपको नहीं याद है तो आप इस वाले बॉक्स में इंजन नंबर के लास्ट के 5 डिजिट भर सकते हैं। चेचिस नंबर और इंजन नंबर दोनों नहीं भरने हैं, दोनों में से केवल एक ही भरना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, पहला है नोटिस डिटेल का और दूसरा है चालान डिटेल का। तो अगर आपको नोटिस प्रिंट करना है तो फर्स्ट वाले पे क्लिक कर लेना है, और अगर आपको चालान प्रिंट करना है तो आपको सेकंड वाले पे क्लिक कर लेना है, थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ नीचे आपके व्हीकल के जितने चालान होंगे वो आपको दिख जाएंगे। तो इस गाड़ी के दो चालान हैं, पहला ये है और दूसरा ये है। अब अगर आपको इसे प्रिंट करना है तो यहाँ राइट साइड में आपको प्रिंट नोटिस लिखा हुआ दिख जाएगा, ये वाला, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। प्रिंट नोटिस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, इस तरीके से एक छोटा सा पॉपअप ओपन हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ फर्स्ट वाले पे क्लिक करके कोर्ट कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से सारे कोर्ट यहाँ पे आ जाएंगे। तो जो भी कोर्ट आपके नज़दीक में हो या आप जहाँ जाना चाहते हैं वो कोर्ट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद इस सेकंड वाले पे क्लिक करके आपको कोर्ट रूम सेलेक्ट कर लेना है कि आपको किस कोर्ट रूम में जाना है। तो मोस्टली लोग 1 से 10 तक ही सिलेक्ट करते हैं, तो आप उससे आगे का सिलेक्ट कर लीजिए, 11, 12, 13, 14, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ थर्ड वाले पे क्लिक करके आपको ये सिलेक्ट कर लेना है कि आप फर्स्ट मीटिंग में जाएंगे या सेकंड मीटिंग में। तो अगर आपको फर्स्ट मीटिंग में जाना है तो आपको ये फोरनून 10 AM वाला सिलेक्ट कर लेना है, और अगर आपको सेकंड मीटिंग में जाना है तो ये आफ्टरनून 2 PM वाला आपको सिलेक्ट कर लेना है। सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको अवेलेबिलिटी लिखी हुई दिख जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको कोर्ट सेलेक्टेड सक्सेसफुली लिखा हुआ दिख जाएगा, और यहाँ नीचे आपको प्रिंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको यहाँ प्रिंट पे क्लिक कर लेना है। और प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका नोटिस जो है वो आ जाएगा। आपको यहाँ प्रिंट पे क्लिक करके इसका प्रिंट आउट ले लेना है, और अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसका PDF भी सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप आसानी से लोक अदालत का टोकन जनरेट कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि और लोगों को भी जानकारी मिले। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। नमस्कार।